नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई स्टडी यूपीएससी पर। सुबह के 7 बजे हैं, हम चर्चा करेंगे द हिंदू एडिटोरियल्स पर। सबसे पहले बड़ा दिन है आज 15 जुलाई का, आपका स्वागत करता हूं मैं इस प्लेटफॉर्म पर वाईफाई स्टडी यूपीएससी के। जैसा हमने वादा किया कुछ दिनों से कि आपको इस प्लेटफॉर्म पर यूपीएससी संबंधित सभी जानकारी, सभी सूचनाएँ, सभी ज्ञान दिया जाएगा। प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क दिया जाएगा, फ्री दिया जाएगा, और मेरे साथ कई सहयोगी रहेंगे आने वाले दिनों में, आने वाले घंटों में। आप देखेंगे कई सहयोगी आएंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म पर और जो आपको डिफरेंट प्रकार के डिफरेंट सेगमेंट्स की जानकारी देंगे। मैं आपके साथ आशीर्वाद, मैं आपको अपना इंट्रो दे दूँ, फिर हम चालू करेंगे कहानी को अपनी। मैं आपके साथ हूँ यहाँ पर, मेरा नाम आशीर्वाद है और मैं काफ़ी लंबे समय से, लगभग 12 सालों से यूपीएससी की फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। दिल्ली के मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर के इलाकों में हम लोग जुड़े हुए हैं अन्य संस्थानों के साथ। मेरा भी जुड़ा हूँ वाईफाई स्टडी यूपीएससी के साथ इस समय। इससे पहले मैं जुड़ा था हम आईएएस मंत्रा के साथ, जुड़ा हुआ हूँ जीएस वर्ल्ड दिल्ली और दीक्षांत आईएएस दिल्ली में। इसके अलावा काफ़ी लंबे समय का अनुभव मीडिया समूह के साथ, मेरा मीडिया ग्रुप में राजसभा टीवी, न्यूज़ नेशन, न्यूज़ स्टेट, CNN IBN आदि के साथ मेरा लंबा अनुभव रहा है जुड़े रहने का। यानी पर्याप्त अनुभव है आपको पढ़ाने के लिए, पर्याप्त अनुभव है आपको यूपीएससी संबंधित तैयारी कराने के लिए। अगर 12 साल हो गए हैं इस फील्ड में तैयारी करते हुए कराते हुए, पिछले 12 साल 2009 से हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और उसके पहले मेरा तैयारी का स्तर, और 2009 से ऐसा फैकल्टी में जुड़ा हूँ इन संस्थानों से। पहली बार मौका मिल रहा है वाईफाई स्टडी यूपीएससी जुड़ने का। ये हमारा जो सेगमेंट रहेगा आज का, या पहले सुबह 7 बजे का, वो रहेगा आपके साथ द हिंदू एनालिसिस का, द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस का। फिर हम बात करेंगे पीआईबी पर और फिर आपके साथ अन्य फैकल्टी जुड़ेंगी अपने सेगमेंट लेकर। क्या है यूपीएससी सिलेबस, कई बच्चे जानना चाहते हैं कैसे करें तैयारी, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए, वो जो दिन के सेगमेंट में रहेगा कहीं ना कहीं। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर द हिंदू एडिटोरियल्स की। मैं आपके सवाल लूंगा, सवालों का क्रम लास्ट के 5 मिनट रहेगा। आप चाहें तो अपने कमेंट बॉक्स में नीचे, नॉट चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख दीजिएगा। कोई भी सवाल आपका है, डिस्कशन पूरा होने के बाद, क्लास पूरी होने के बाद मैं उनको आराम जवाब दे पाऊंगा। ड्यूरिंग क्लास चैट में पार्टिसिपेट करना, चैट में भागीदारी करना थोड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि फ्लो में होता है टीचर, वो मुश्किल होता है कि वो मैं चैट देख पाऊँ और आपके डिस्कशंस को या आपके क्वेश्चंस को ले पाऊँ। जो भी क्वेश्चंस हैं रखिए कमेंट बॉक्स में, हम बात जरूर करेंगे आपके साथ। चलिए सेशन चालू करते हैं आपके साथ, बिल्कुल समय खराब किए बिना। थोड़ा क्षमा चाहूंगा, मेरा गला थोड़ा सा खराब हो रहा है, लेकिन प्रयास करेंगे लेक्चर में से कोई बाधा ना पड़े। शुरू करते हैं आपके साथ, क्या है हिंदू का एडिटोरियल्स आज। तो हिंदू, द हिंदू की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। द हिंदू ये पूरा अखबार जो आता है, इसमें अगर हम बात करें पूरे हिंदू में कुछ एडिटोरियल्स के पेज होते हैं, बीच के पेज एडिटोरियल्स के होते हैं, सब जानते होंगे बीच के पेज एडिटोरियल्स के होते हैं। इसके अंदर आपके संग लें अगर हम हिंदू, यहाँ पर द हिंदू अखबार आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये इसमें जो दो बीच के पेज है हमारे वो एडिटोरियल्स के पेज होते हैं। पेज नंबर 11-12 की बात करेंगे आपके साथ, तो यहाँ पर पेज नंबर 10 और 11 ये हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये एडिटोरियल का पेज हम दिख रहा है हमको यहाँ पर। इसमें कई एडिटोरियल्स, कई आर्टिकल्स हैं, जैसे एडिटोरियल नंबर 1 है ये है, एक आर्टिकल हमारे पास ये है, एक एडिटोरियल ये है, एक आर्टिकल ये है, ऐसे एक और पेज है यहाँ भी 2-3 आर्टिकल और होंगे। यानी लगभग 5-6 आर्टिकल, 1-2 एडिटोरियल मिलेंगे हमको यहाँ पर। एक्सपर्ट्स के एनालिसिस मिलते हैं सुनने को हमको, पढ़ने को। यहाँ पर हम बात करेंगे क्या है, व्हाट द हैपनिंग और व्हाट द राइटिंग्स क्या की गई हैं, उसके क्रक्स क्या हैं, उनके पॉइंट्स में निकालने का प्रयास करेंगे। समय खराब करना शुरू करते हैं आपके साथ। पहला एडिटोरियल, पहला आर्टिकल आज का, द फर्स्ट वन इज आर्टिकल हमारे पास जो है चर्चा करने के लिए, दैट वन इज वॉरलॉर्ड एंड वॉर क्राइम्स, जो आपके इस पेज में आपको दिखेगा नीचे की तरफ लिखा हुआ है, वॉरलॉर्ड्स एंड वॉर क्राइम्स, सेकंड एडिटोरियल सीरीज का, वॉरलॉर्ड्स एंड वॉर क्राइम्स। बात करेंगे इस वॉरलॉर्ड्स एंड वॉर क्राइम्स पर आपके साथ, क्या आर्टिकल है, क्या एडिटोरियल है पूरा का पूरा ये। वॉरलॉर्ड्स एंड वॉर क्राइम्स देखते हैं आपके साथ, ये आर्टिकल की हेडिंग है, आप देख रहे हैं यहाँ पर वॉरलॉर्ड्स एंड वॉर क्राइम्स। क्या है एडिटोरियल, क्यों जरूरी है आपके लिए, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लिए क्या निकालते हैं, बात करेंगे आपके साथ वॉरलॉर्ड्स में। तो पहले खबर जान लीजिए इस आर्टिकल से पहले, लिखने से पहले, कि खबर क्या है वॉरलॉर्ड्स एंड वॉर क्राइम्स। ये जो पूरा आर्टिकल है ये बेस्ड है, कुछ कीवर्ड्स आएंगे इसके अंदर हमारे पास, जैसे कीवर्ड आएगा इसमें ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और नोन एज अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, अनवर्स रोम स्टैचू या रोम संधि या रोम संविधि जो तैयार की गई थी 2002 में, जिसने बना था ICC कोर्ट, बात करेंगे इस पर भी। एक हमको याद करना पड़ेगा मैप, कांगो जो अफ्रीका का एक देश है, कांगो वहां का मैप देखेंगे आपके साथ, तीसरी नॉलेज, और वहां का एक रीजन है इटूरी रीजन, जो क्षेत्र है वहां का इटूरी क्षेत्र, माइनिंग एक्सपर्ट है, माइनिंग बहुत लीडिंग का रीजन है वहां का, उसकी बात भी करेंगे। तो ये बहुत की वर्ड्स आएंगे इस आर्टिकल में आपके साथ, चालू करते हैं बिना समय खराब के। आर्टिकल एडिटोरियल है क्या, तो यहां पर एक न्यूज हमारे पास है कि ICC ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, एक व्यक्ति, इसका नाम आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, बॉस्को नतगांडा,
इनके खिलाफ एक मामला चल रहा था, इनके खिलाफ एक जेनोसाइड का, एक नरसंहार का मामला चल रहा था और इनको यहाँ पर एक सजा देने का फैसला किया, इनको गिल्टी माना है युद्ध अपराधों, गिल्टी माना है इनको वॉर क्राइम का। तो यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कांगो के एक विद्रोही, पूर्व विद्रोही, विद्रोही थे देश में, विद्रोह कर रहे थे अपने, उनको गिल्टी माना है, उनको दोषी माना है वॉर क्राइम्स का, युद्ध अपराधों का। नाम लिख रहे हैं बॉस्को नटकांडा को। क्या मामले हैं इनके ऊपर? इनके ऊपर 18 वॉर क्रिमिनल, 18 वॉर क्राइम के मामले चले हैं जो उन्होंने 2002-03 में किए थे कांगो के खनिज संपदा क्षेत्र इतुरी रीजन में। तो कांगो के खनिज संपदा क्षेत्र इतुरी रीजन में जो अपराध किया था इन्होंने, उसकी सजा, उसका दोषी माना है, बहुत जल्दी सजा का फैसला भी किया जाएगा। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें आपको जानने की हैं कि क्या इसके इम्प्लीकेशन होंगे, क्या इसके नुकसान होंगे। हम बात करें यहाँ पर, आपको दिख रहा है चेहरा इनका स्क्रीन में मेरे साथ, ये हैं नटकांडा जी। इनके ऊपर एग्जाम लगाया गया है दोषी युद्ध अपराध का, इनके द्वारा नरसंहार किया गया, छोटे बच्चों को मारा गया, बच्चों को बलात्कार करवाया गया अपने अपने गोल को पूरा करने के लिए। इनका निकनेम पड़ गया था, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, द टर्मिनेटर। इनका निकनेम पड़ गया था टर्मिनेटर, वहां पर इनको ऐसे मानते थे कि इनका मतलब है ये खत्म कर देगा, ये मार देगा इंसान। इनका नाम पड़ गया था, निकनेम पड़ गया था अपने स्तर पर। ये कहीं ना कहीं रेप, सेक्सुअल स्लेवरी, अंडर एज ऑफ अंडर एज गर्ल्स, रिक्रूटिंग ट्रूप्स फॉर अंडर एज 15, 15 साल से कम आयु के बच्चों को ये आतंकवादी सेना में शामिल करते थे, अपनी अपनी सैन्य कमांडर बनाते थे। वो ये व्यक्ति हैं आपके सामने नटकांडा जी, ये हैं कांगो के पूर्व विद्रोही। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने पूरा खनिज एरिया में माफिया गैंग चला रखा था अपना, कोई भी खनिज करना चाहती कंपनी उससे एक्सट्रॉशन मनी लेते थे, यानी बहुत बड़े अपराध इनके ऊपर 2002 के बाद से इनके ऊपर लगे हुए हैं। फाइनली मामला पहुंचा आईसीसी कोर्ट में, आईसीसी ने कहा कि आप दोषी हैं, जल्दी से जाकर सुनवाई की जाएगी। ये हुई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके लिए। इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर हम देखें पिछले कुछ सालों में, इसका क्रक्स निकाल के देखते हैं, पिछले कुछ सालों में अफ्रीका के कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्षों पर, वहाँ के विद्रोहियों पर लगातार मामले चले हैं, चाहे सूडान के राष्ट्रपति हों, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हों, केन्या के मामले रहे हों, आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति रहे हों, कई जगहों पर ऐसे हमने देखे हैं जहां पर राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष या बड़े नामी ग्रामीणों पर या फिर सरदारों पर, वहां कबीलियाई सरदारों पर केस चले और आईसीसी इनको सजा सुनाई। तो अफ्रीकी देश मानते हैं कि ये काम तो इराक में भी हो रहा है, इराक में भी हो रहा है, अफगानिस्तान में भी हो रहा है, वहां के लोग सजा नहीं देते हैं, अफ्रीकी देशों के साथ आपकी क्या समस्या है? तो आईसीसी से परेशान है कुछ अफ्रीकी देश, उनका मानना है कि उनको सेलेक्टिवली टारगेट, उनको चयनित करके उन पर हमला किया जाता है, उनको कहना चाहिए मुझे उनको दोषी माना जाता है। इसी नाराजगी के चलते अभी कुछ दिनों पहले ही बुरुंडी, जो अफ्रीका का देश है, कांगो के जस्ट बगल में है, उसने आईसीसी को क्विट कर दिया है, छोड़ दिया है। एक याद रखिए पीडी खबर आई काम के लिए, बुरुंडी ने छोड़ दिया आईसीसी को, और कुछ दिनों पहले ही एशिया का देश फिलीपींस भी अलग हो गया है इसी मामले के चलते। फिलीपींस का मानना है कि उसके द्वारा जो ड्रग्स माफियाओं पर एक्शन लिया जा रहा है, वहां आईसीसी नाराज है उससे, आईसीसी मानना है वो गलत काम है, तो फिलीपींस ने भी छोड़ दिया है इस संगठन को। तो बुरुंडी, फिलीपींस छोड़ चुके हैं आईसीसी को। अब बात करते हैं इस संगठन के बारे में, दो मिनट सुनिएगा, बैकग्राउंड काम आएगा आपके लिए। आईसीसी क्या है? आईसीसी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जहां पर इस प्रकार के नरसंहार के मामले, जेनोसाइड के मामले सुने जाते हैं, अपराध दोषी साबित होते हैं, इनके जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके मामले पहुंचते हैं यहाँ पर। भारत इसका मेंबर नहीं है, भारत ने आईसीसी को स्वीकार किया है लेकिन लागू नहीं किया है, लेकिन अपने यहाँ पर इसको साइन नहीं किया है, तो भारत आईसीसी मेंबर नहीं है। कुछ और जानकारी दूं मैं आपको यहाँ पर आईसीसी के बारे में कुछ बातें। आईसीसी एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल है, एक अंतर सरकारी संगठन है, और ये अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? द हेग में, नीदरलैंड के द हेग में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके खिलाफ, इस संगठन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मामलों को, अंतर्राष्ट्रीय मानवता के खिलाफ अपराधों को, युद्ध अपराधों पर मुकदमा चलाने की आज्ञा दी जाती है। यानी कोई भी संस्था जा सकती है, अपना मामला लगा सकती है यहाँ पर, आईसीसी हेयरिंग कर सकता है। तो आईसीसी की हेयरिंग होती है जेनोसाइड, वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ अपराध हो, युद्ध अपराध हो या अंतर्राष्ट्रीय अपराध हो, यहाँ मामले की सुनवाई हो सकती है। इसका निर्माण किया गया था 2002 में। इसके लिए जो संधि है, जो बैकग्राउंड संधि है, वो है रोम स्टैच्यू या रोम संविधि। तो रोम में बैठे देश चलो पहले, उन्होंने कहा बनाएंगे संगठन, बनाया, संगठन का नाम पड़ गया द हेग में आईसीसी। तो याद रखिएगा ये काम कर रहेगा आपके लिए इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा आईसीसी को जो जानकारी दूं मैं आपको, आईसीसी जो स्थापित हुआ है 2002 में, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक बगल में शब्द लिखा है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। थोड़ा सा अलग है ये, एक है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये स्थापित हुआ था 1946 में आईसीजे, और ये यूएन की संस्था है। आईसीजे एक यूएन की संस्था है, और वहीं आईसीसी एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र संस्था है, देशों का एक संगठन है। आईसीजे वर्ल्ड कोर्ट कहा जाता है, आईसीसी को ऐसा नहीं मानते हैं। आईसीसी एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र कोर्ट का काम करती है। आप देख रहे हैं स्क्रीन के तीसरे कॉलम में, एक इंडिपेंडेंट संस्था है, जबकि आईसीजे एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कोर्ट है, यूएन के द्वारा बनाई गई। यहां पर दोनों का हेडक्वार्टर द हेग में है।
आईसीसी में कौन सा शिकायत कर सकता है? कोई भी देश शिकायत कर सकता है, आईसीसी में कोई भी देश शिकायत कर सकता है, कोई व्यक्ति शिकायत कर सकता है। वहीं आईसीजे का मामला कौन सा होगा? जहां यूएन के सदस्य राष्ट्र शिकायत लेकर जाएंगे, जहां यूएन के मेंबर कंट्रीज शिकायत करेंगे, वो होगा आपका आईसीजे में जाने वाले देश। इसके अलावा मैप देख लीजिए, कांगो का मेरे साथ, अफ्रीका का मध्यवर्ती देश है, अफ्रीका मध्य अफ्रीका में आता है ये कांगो, बड़ा देश है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो या डीआर कांगो बोलते हैं हम लोग, लोकतांत्रिक देश एक प्रकार का। इसका आप देख रहे हैं नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट संस्करण आप देख रहे हैं इतुरी में, इतुरी इसका नॉर्थ ईस्ट संस्करण है, नॉर्थ ईस्ट रीजन है जहां पर माइंस के काफी खजाने हैं, इस पर नटकांडा की सेना हमला करती थी, वहां पर एक्सटॉर्शन लेती थी, नॉर्थ ईस्ट के इतुरी चगा से। तो याद रखिएगा इतुरी लोकेशन, इतुरी माइंस इलाका है कांगो में, और कांगो का एक बड़ा इलाका है इतुरी नॉर्थ ईस्ट में, जहां पर नटकांडा पर आरोप लगे हैं। चलिए दोस्तों, इसके अलावा हमारे पास चर्चा करने के लिए है भारत का, अगर बात करूं तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आखिर भारत ने आईसीसी को क्यों नहीं सुकारा है, क्यों भारत आईसीसी पीछे हटता है, तो भारत को जो मानना है वो देखेंगे स्क्रीन में, संग यहाँ पर तीन पॉइंट मेरे पास हैं। इंडिया क्यों डिक्लाइन करता है आईसीसी को, यहाँ पर क्यों इंडिया स्वीकार नहीं करता है, तो फर्स्ट जो पॉइंट मेरे पास इंपॉर्टेंट बड़ा है यहाँ पर, भारत का मानना है कि जो बहुत सारे अपराध आप डील कर रहा है आईसीसी, मानवता के खिलाफ युद्ध अपराध, वो ऑलरेडी हमारे यहाँ नेशनल लॉ है जिसके लिए हम लोग रोक सकते हैं लोगों को, हमें आवश्यकता नहीं है एक ऐसी संस्था की जो वही लॉ बनाती हो जो इंडिया के पास है। तो इंडिया डिक्लाइन करता है इस इंस्टीट्यूट को, कारण है नेशनल लॉ से ये कम्पीट करती है, नेशनल लॉ से ये बराबरी करती है, तो इंडिया डिक्लाइन करता है इसको। दूसरा डिक्लाइन करने का इंडिया का यहाँ पर है कि ये जो संगठन है ये आतंकवाद को नहीं मानता है मानवता के खिलाफ अपराध, आतंकवादी घटना है ये नहीं मानता है कि मानवता के खिलाफ घटना है, तो ऐसे में भारत नाराज है संगठन से, इसका मानना है कि डेफिनेशन बदली है अपनी, उसके बाद ही हम आप में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा ये संस्था है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने आप में, ये आईसीसी को ताकत मिलती है, यूएन मामले शिफ्ट कर सकता है इसके पास, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मामले दे सकती है, और भेदभाव पूरी तरीके से इसका फैसला कर सकती है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पॉइंट हमारा है कि ये संस्था को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मामले फॉरवर्ड कर सकती है, यूएन सुरक्षा परिषद मामले फॉरवर्ड कर सकती है, इस कारण ये संगठन एक गलत संगठन बन जाता है रेफर करने के मामले इस कारण, और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, नहीं भारत स्वीकार नहीं करेगा इस संगठन को हमारे यहाँ पर। तो ये है आपके साथ इस एडिटोरियल के बारे में, काम का एडिटोरियल रहेगा आपके लिए हमारा वॉर लॉट्स एंड वॉर क्राइम्स, हो पाएगी बात हमारी। मूव करते हैं आपके साथ सेकंड एडिटोरियल पर आज के, सेकंड जो न्यूज हमारे पास है, एक एडिटोरियल हम देखेंगे यहाँ पर, पेज पलटिएगा तो आपको एक आर्टिकल मिलेगा वहां पर, सबसे ऊपर लिखा हुआ है लूमिंग चैलेंजेस टू इंडिया स्टैंडिंग, सबसे बड़ा आर्टिकल जो आज का सबसे बड़ा आर्टिकल जो आपके इस पेज पर देखेगा मुझे यहाँ पर, लूमिंग इंडियाज आर्टिकल स्टैंडिंग, ये बात कर रहे हैं आपके साथ यहाँ पर, आप देख रहे हैं ये आर्टिकल है, ये लूमिंग चैलेंज टू इंडिया स्टैंडिंग। इंपॉर्टेंट बात, इसका राइटर कौन है? इसके राइटर एम के नारायण साहब, जो भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं, एनएसए रह चुके हैं, तो ऐसे में इनके द्वारा लिखा गया आर्टिकल आपके नॉलेज में होना चाहिए कि आखिर क्या चुनौतियां हैं भारत के सामने, क्या मुश्किलें हैं भारत के सामने, विशेषकर विदेश नीति के प्लेटफॉर्म पर। तो बात करें इन्होंने आर्टिकल में क्या कहा है अपने, तो एम के नारायण पूर्व विदेश पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूर्व एनएसए, उन्होंने आर्टिकल लिखा है कि भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या चुनौतियां दिख रही हैं। तो इन पॉइंट बातें समरी कर दूं मैं आपके लिए इस आर्टिकल की, इस आर्टिकल में ये कह रहे हैं यहाँ पर कि भारत की विदेश नीति के सामने कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं, भले ही उन्हें कहना है कि पीएम साहब अभी G20 के समिट में गए, वहाँ ब्रिक्स देशों को संबोधित किया, वहाँ पर वो जापान अमेरिका से मिले, वहाँ पर वो रशिया चाइना से मिले, लेकिन उसके बाद भी कुछ बड़ी चुनौतियाँ बनी हुई हैं इंडिया के सामने, जैसे कि एक एक करके बात करते हैं अपनी चुनौतियों की। एक चुनौती बताते हैं इंडिया पाकिस्तान संबंधों में, ये आप देख रहे हैं इसमें स्क्रीन पर, एक चुनौती इंडिया पाकिस्तान संबंधों में कि आपके पाकिस्तान के साथ संबंध रुके हुए हैं, लंबे समय से कांस्टेंट हो गए हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कारण है पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन ना लिया जाना, तो ये संबंध रुके हुए हैं, इनको बढ़ाने की आवश्यकता है, जरूरी है एक हार्डलाइन पॉलिसी अपनाई जाए, लेकिन पाकिस्तान से किसी प्रकार से संबंधों को थोड़ा सा ही किया जाए, वरना ये बात रुकी रहेगी यहाँ पर। दूसरा इनका मानना है अफगानिस्तान को लेकर, अफगानिस्तान में आजकल अमेरिका से बात चल रही है अफगानिस्तान के तालिबानियों की, से अमेरिका अफगानिस्तान में शांति स्थापित हो सके, लेकिन लेकिन भारत का इसमें कोई रोल नहीं है, भारत और भारत कहीं मध्यस्था नहीं कर रहा है इसके अंदर, भारत का रोल नहीं है, भारत की पूछ परख नहीं हो रही है अमेरिका के इस पीस प्लान के अंदर, तो ऐसे में इनका मानना है कि भारत को रोल करना पड़ेगा, अन्यथा अफगानिस्तान में कोई नई गवर्नमेंट कोई तालिबान का इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो भारत की पूछ परख खत्म हो जाएगी, तो इंडिया को अपना डिस्टेंस बनाए रखने के लिए बातचीत करनी होगी इन समूहों से, इन अफगानियों से, और पार्टिसिपेट करना होगा उनकी वार्ताओं में। तो यहाँ पर एक शिकायत इनकी है एम के नारायण साहब की, वो है अफगान अफेयर्स में इंडिया को भागीदारी, इंडिया को स्टेक मिलना चाहिए। तीसरा का मानना है यहां पर कि भारत ने अच्छा प्रयास किया, मालदीव में गए पीएम साहब हमारे यहां पर, मालदीव में गए वो और अभी हाल में कई देशों में मूव करके आए, लेकिन
अभी भी पड़ोसी देशों में नेपाल और श्रीलंका अभी भी आपके लिए मुश्किलें कर रहे हैं। नेपाल और श्रीलंका में कहीं ना कहीं भारत की स्थिति कमजोर बनी हुई है, वहां चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है और भारत की स्थिति कमजोर हो रही है। तो अफगानिस्तान में कमजोर है, पाकिस्तान से बातचीत नहीं कर रहे हैं और नेपाल और श्रीलंका भी हमारे कहना चाहिए सहयोगियों राष्ट्र में नहीं माने जा सकते इस समय, तो एक मुश्किल बात है यहाँ पर। इसके अलावा एम के नारायण कहना यहाँ पर है कि चीन द्वारा लगातार चुनौती पेश की जा रही है, वो अपने BRI का OBOR का विस्तार कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है और भारत के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। इनका कहना एक जगह पर राइट आर्टिकल में कि इंडिया और भूटान, सेकंड पैराग्राफ देखेंगे स्क्रीन पर, इंडिया और भूटान केवल दो देश हैं हमारे आसपास के जिन्होंने BRI या चीन के OBOR पर साइन नहीं किया है। OBOR जानते होंगे, OBOR आप लोग क्या है, OBOR क्या है, चीन का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत चीन अपने पड़ोसी राष्ट्रों में, दूरदराज के राष्ट्रों में सड़क या समुद्री मार्ग के द्वारा अवसरशन तैयार कर रहा है, बंदरगाह तैयार कर रहा है, रोड तैयार कर रहा है, रेलवे तैयार कर रहा है, यानी कि चीन इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहा है इन देशों के अंदर और अपना माल को बेचने में सफलता प्राप्त कर रहा है। चुनौती है कैसे बचे BRI से, कैसे बचे OBOR से, एक बड़ी चुनौती बनी हुई है भारत के सामने यहां भी। इसके अलावा इंडिया US रिलेशन की बात करें तो इनका मानना है कि US संबंध अच्छे हैं, खासकर स्ट्रेटेजिक फ्रंट पर अच्छे संबंध हैं हमारे, हथियार दे रहा है US हमको, लगातार हमको अपने डिफेंस इक्विपमेंट दे रहा है रशिया, US अपने, लेकिन पिछले कुछ समय से US चाइना रशिया, लास्ट पैराग्राफ, US चाइना रशिया कॉन्फ्लिक्ट अगर बात करें ये मुश्किलें कर सकता है भारत के लिए। जो ट्रेड वॉर चल रही है, जो इकोनॉमिक फ्रंट में मुश्किलें आ रही हैं, वो अमेरिका के साथ अच्छे हितों को नहीं मान सकता। यानी एंड ऑफ द डे आप बोल सकते हैं चुनौतियाँ क्या हैं, पड़ोसी राष्ट्रों की चुनौतियाँ हैं, अफगानिस्तान में स्टेक नहीं है, चीन OBOR का विस्तार कर रहा है और अमेरिका जो आपका सबसे करीबी सहयोगी राष्ट्र तकनीकी दक्षता में, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में, उसके साथ आपका ट्रेड वॉर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत चुनौतियां बड़े स्तर की हैं। यहाँ पर भारत को तैयार करनी होगी ऐसी विदेश नीति जिसमें सब कुछ शामिल किया सके, सब पक्षों को यहाँ पर शामिल किया जा सके। आपके क्वेश्चन लूंगा दोस्त, मैं क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, जो मैं क्वेश्चन लूंगा आपके साथ, 10 मिनट दीजिए मुझे, क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपके, आगे बढ़ेंगे आपके साथ। एक और आर्टिकल की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, जो एक आर्टिकल लिखा गया है इकोलॉजिकल, आप देख रहे हैं स्क्रीन में संग यहाँ पर, इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द काउंटिंग डिस्काउंटिंग ऑफ द फ्यूचर, इन पॉइंट बात है। इस आर्टिकल में राइटर ने मेंशन किया है किस प्रकार हम वाटर क्राइसिस जूझ रहे हैं, क्या वाटर क्राइसिस हो रहा है इंडिया के अंदर, चेन्नई सूखा पड़ा हुआ है, देश के कई इलाकों से वाटर क्राइसिस समस्या सामने आ रही हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए, क्या कारण है विशेषकर अर्बन ड्रॉट के, अर्बन सूखे के, तो लगातार हम देख रहे हैं देश के इलाकों में सूखा पड़ रहा है खासकर अर्बन इलाकों में, तो क्या है इसके कारण, क्या अर्बन इलाकों में पानी की कमी है या मिसमैनेजमेंट है, उसकी पड़ताल करेंगे हम इस आर्टिकल के अंदर, इस लेख के अंदर। मैं समरी करूँ आपके लिए इस आर्टिकल केवल यहाँ पर, तो राइटर का कहना है कि चेन्नई में जल संकट जो कारण है उसका बड़े कारण क्या है, चेन्नई क्राइसिस को एग्जाम्पल लिया है, इसका बड़ा कारण है चेन्नई की बढ़ती आबादी, जितनी आबादी है उस लिहाज से पानी की व्यवस्था नहीं की गई है, जितनी आबादी हो गई है शहर की उस लिहाज से पानी की व्यवस्था नहीं की गई, बड़ी समस्या है पॉपुलेशन बढ़ने की, तो पूरे देश में समस्या खासकर अर्बन एरियाज में, शहरी इलाकों में मांग तेजी से बढ़ रही है और आपूर्ति उतनी तेजी से नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या पॉपुलेशन, याद रखिएगा 2050 तक लिख लीजिए बारे चाहें तो, 2050 तक भारत की 50% आबादी शहरों में रह रही होगी, जो राइट नाउ लगभग 30-32% के आसपास है। इस 50% आबादी की को आपको पानी देने के लिए आपूर्ति को दुरुस्त करना होगा, वरना एक भयंकर सूखे का सामना देशवासियों को करना पड़ सकता है, तो ऐसे में बढ़ती जनसंख्या एक संकट का विषय है, ये कहना है इस लेख का। इसके अलावा एंक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण कहा जाए, जो शहर में लोकल बॉडी वाटर बॉडीज थी, छोटे तालाब थे, झीलें थी, वेटलैंड थे, आद्रभूमियाँ थी, मैंग्रोव थे शहरों तटीय इलाकों में, वहाँ पर आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया, इलीगल कंस्ट्रक्शन कर लिया है, उनको ढक दिया है, पाट दिया है और बिल्डिंग बना ली है, तो कहीं ना कहीं अभी हमने चेन्नई की फ्लड देखी 2 साल पहले, मुंबई में हम देखते हैं आए दिन शहरों में बाढ़ बढ़ रही है, कारण क्या है उसका, आपने जो वाटर बॉडीज थी जहाँ पानी सोख सकती थी, जो उन पर अपने घर बना लिए हैं, बिल्डिंग बना ली हैं, एंक्रोच कर लिया है प्रकृति को आपने, तो चेन्नई जैसे एक बड़ा कारण है एंक्रोचमेंट, लगातार अवैध बस्तियां बन रही हैं, बड़े बिल्डर्स बिल्डिंग बना रहे हैं, वहां पर प्लॉट काटे जा रहे हैं, जिस कारण पानी का संकट और गहराता जा रहा है, तो चेन्नई जल संकट का एक बड़ा कारण है एंक्रोचमेंट या अतिक्रमण करना जल निकायों का, वाटर बॉडीज का। इसके अलावा एक बड़ा कारण मानना चेन्नई जल संकट का वो है पॉल्यूशन या प्रदूषण। प्रदूषण मतलब बोले हम लोग यहाँ पर जो पानी है भी वो पीने योग्य नहीं रह गया है, उसको रिसाइकिल नहीं करते हैं, रीयूजेबल नहीं करते हैं, रिस्टोर नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बढ़ जाता है पानी में, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है ऑक्सीजन की, ई कोला की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, आप जिस शहर में अपने आसपास जाके देखिएगा पानी प्रदूषित होता जा रहा है, आपके आसपास के नाले सब मिलते हैं जाके नदियों में, आपके आसपास की नदियों में लगातार प्रदूषित कर रहा है वो पानी को, ये समस्या चेन्नई में भी है, मुंबई में भी है और देश के अन्य इलाकों में भी है,
तो कहीं ना कहीं बढ़ता पॉल्यूशन एक बड़ी संघर्ष का विषय है। पीने के पानी के लिए जरूरत है, इसको रिसाइकिल करें, सीवरेज प्लांट को लगाएं हम लोग, और पानी को पानी को मिलने से रोकें, नदियों के अंदर गंदे पानी मिलने से रोकें हम लोग इस स्वच्छ पानी के साथ। इसके अलावा एक कारण बताया गया इस आर्टिकल में, अर्बनाइजेशन ऑन द कॉस्ट ऑफ रिक्लेमिंग वाटर बॉडीज। जो मैंने कहा थोड़ी देर पहले, नए रूप से कहा गया है कि शहरी इलाकों में जो अर्बनाइजेशन किया जा रहा है, जो शहरीकरण हो रहा है, वो जल निकाय को धीरे धीरे ढक रहा है। एनक्रोचमेंट भी है अपनी जगह पर, वही बात को दूसरे शब्द में कहा गया है कि जल निकायों को आप खत्म कर रहे हैं, वहां उसको प्रदूषित कर रहे हैं। इवन आप जाएं दिल्ली में, आप जाएं किस शहर में, जो आपका शहर कचरा होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, वो डंप कर दिया जाता है, वो फेंक दिया जाता है इन वाटर निकायों के पास, इन जल निकायों के पास। तो पॉल्यूशन बढ़ता है उससे, वाटर निकाय खत्म भी होता जाता है। आप जाइए दीपोर क्षेत्र में गुवाहाटी के, आप जाइए दिल्ली के गाजीपुर, दिल्ली के ओखला क्षेत्र में, आपको मिलेंगे कितने बड़े पहाड़ बन गए कचरे के। यहाँ पर ये पहाड़ बनते पहाड़ खत्म कर रहे हैं आपकी वाटर बॉडीज को, खत्म कर रहे हैं आपके जल निकायों को। तो चेन्नई के जल संकट कारण इसमें से भी कहीं ना कहीं वही वाटर बॉडीज को आप खराब कर रहे हैं धीरे धीरे। तो एक बड़ी समस्या चेन्नई जल संकट की बताई गई इस आर्टिकल में। समाधान वही है जो हम पहले से करना चाह रहे हैं। समाधान है पानी का संचय करें, पानी को बचाएं, पानी का रीयूज करें, रीस्टोर करें, रीसाइकिल करें, ये आवश्यकता है पानी की। तो 3R बोलते हैं हम लोग हमेशा, रीयूज, रीसाइकिल, रीस्टोर करें पानी की वाटर बॉडीज को। जो जल निकाय खत्म हो गए हैं, जो जल निकाय खत्म हो रहे हैं उनको संभाला जाए। इस आर्टिकल में एक जगह लिखा गया है प्रोजेक्ट काकतीय के बारे में, सुन लीजिए वो क्या है। प्रोजेक्ट काकतीय जो तेलंगाना राज्य है, तेलंगाना में एक वंश हुआ करता था काकतीय वंश, हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप वारंगल काकतीय वंश। तो काकतीय वंश ने वहाँ पर कई तालाब, कई छोटे पोखर, कई तालाब बावड़ियाँ तैयार करवाई थी, जिनको बाद में ढक दिया गया, भर दिया गया, कंस्ट्रक्शन हो गया इलीगल उसके ऊपर। तो तेलंगाना सरकार चाहती है कि काकतीय काल की उन वाटर बॉडीज को दोबारा खोला जाए, उन वाटर बॉडीज को दोबारा ऑन किया जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो पाता है तो निश्चित तौर पर पानी रिस्टोर कर पाएंगे काकतीय प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो यहाँ पर कहा गया है काकतीय परियोजना प्रोजेक्ट काकतीय तेलंगाना में, याद रखिएगा प्रोजेक्ट काकतीय तेलंगाना में। आपके राज्य में, आप देश भर में बैठे हुए छात्र हैं, आपके राज्य में एक परियोजना चल रही होगी, ढूंढिए कौन सी परियोजना है। आप अगर जल संचय है बिहार में आप जाएंगे, जल सहेली है बुंदेलखंड में आप जाएंगे, अगर पंजाब में आप जाएंगे, राजस्थान में आप जाएंगे, गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचयन चलता है, महाराष्ट्र में जाएंगे जलायुक्त शिवार चलता है, कई जगहों पर अलग नामों से परियोजना चल रही हैं। सबका गोल है पानी को बचाना, जल संरक्षण करना। अभी हाल ही में भारत सरकार ने 1 जुलाई से 15 सितंबर के बीच जल शक्ति अभियान लॉन्च किया है। उम्मीद करते हैं परिणाम अच्छे आएंगे, पानी को बचा पाएंगे। सेव वाटर सेव अर्थ जब कहते हैं वो यहाँ पर लागू सही होता है। तो जल संकट बढ़ रहा है। अगर मैं इसमें एक लाइन और जोड़ दूँ आपके लिए, अगर आपको याद हो, आपने जो छात्र पढ़ने लगा था जुड़े हुए हैं, आपको याद हो लास्ट ईयर नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी एक, और नीति आयोग ने कहा था अपनी रिपोर्ट में 2020 तक देश के बड़े महानगरों में, 21 से 22 महानगरों में पीने का पानी, ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली यही बात हो रही है अब चेन्नई के साथ। तो कहीं ना कहीं नीति आयोग का जो खतरा था, जो रिपोर्ट थी, वो सामने दिख रही है हमको आती हुई। जरूरी है उस पर हम काम करना शुरू करें, समय नहीं है, डिले करे बिना हमको काम करना पड़ेगा, वरना पानी की तराई तराई मच सकती है। आगे बढ़ेंगे आपके साथ, इस आर्टिकल से बाहर आऊंगा मैं आपके लिए, इस आर्टिकल से बाहर आएंगे, अगले आर्टिकल में चलते हैं। अगला आर्टिकल जो हमारा है इस सीरीज में, एक डेटा की बात करूंगा जो पेडल पे छपा है इस बार। एक डेटा हमारे सामने दिख रहा है हमको स्क्रीन पर, यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, सुन लीजिए यहाँ पर। ये डेटा जो है ये बात कर रहा है देश में 100 स्मार्ट शहर बनाने की। आपको याद होगा भारत सरकार ने 2014-15 में स्कीम लॉन्च की थी स्मार्ट शहर, स्मार्ट सिटी, जिसमें कहा गया था 100 स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे। निश्चित तौर पर पुराने शहरों को रीस्टोर, पुराने शहरों को उनको पैचवर्क करना, पुराने को रीडेवलप करने का प्लान था, कुछ नए बनाने थे, कुछ पुरानों को सही करना था। तो भारत सरकार ने पिछले 5 सालों में इन 100 शहरों को आइडेंटिफाई किया है और यहाँ लगभग 5000 परियोजनाएं शुरू कर दी हैं। इन पॉइंट बात है यहाँ पर 5000 परियोजना प्रस्तावित की गई हैं 100 शहरों में। यदि 5000 परियोजनाएं, जैसे मैं कहूँ कि हो सकता है कहीं जगह स्लम का विकास करना हो, कहीं जगह वाटर बॉडी का विकास करना हो, कहीं गवर्नेंस को रिफॉर्म करना हो, तो ऐसे 100 शहरों में 5000 लगभग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। डेटा देखेंगे मेरे संग आप यहाँ पर स्क्रीन पर, तो दिखाता हूँ मैं आपको जूम करके यहाँ पर, ये तो आप देखेंगे 5000 प्रोजेक्ट है हमारे पास, जिनमें से 3000 चालू हो चुके हैं, काम शुरू हो चुका है। इन पॉइंट बात है इसमें से 25% प्रोजेक्ट पूरे भी हो चुके हैं। तो 5 सालों की अवधि में 5000 प्रोजेक्ट हमने अप्रूव किए, लगभग 3000 लॉन्च किए और 25% पूरे भी कर लिए। तो सफलता भी है, लेकिन इन पॉइंट बात है जो पूरा काम हुआ है, यदि आप 100 करोड़ प्रोजेक्ट चालू किए थे तो 11 लाख का ही काम पूरा हुआ है, 11% ही काम पूरा हुआ है। तो निश्चित तौर पर एक सेटबैक है अपने आप में, लेकिन अच्छी बात है काम शुरू हो चुका है, काम प्रारंभ हो चुका है इन परियोजनाओं पर। तो ये है आपका, मुझे कहना चाहिए एक डेटा स्मार्ट सिटी के बारे में, लगभग 60% परियोजना काम शुरू हो गया है और 25% परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। तो स्मार्ट सिटी में लिखने बैठेंगे आंसर आप, डेटा काम आएगा आपको यहाँ पर। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में सबसे अच्छा काम करने वाला जो राज्य है हमारा,
सबसे अच्छा काम जिस राज्य ने किया है वो आप देखेंगे यहाँ पर, कुछ राज्य पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान, दिल्ली यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर जिन्होंने अच्छा काम किया है, वहीं उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु औसतन है, और नीचे आप आएंगे इस लिस्ट में अगर सबसे खराब काम किया है यहाँ पर सिक्किम, माफी पंजाब की बोल रहा था, सिक्किम, हिमाचल, पंजाब आदि ने काफ़ी खराब काम किया है। तो ये वो राज्य जो खराब काम कर रहे हैं आपका स्मार्ट सिटी इम्प्लीमेंटेशन में। डेटा है, कभी काम आएगा लिखने के लिए, स्मार्ट सिटी पे क्वेश्चन आते रहते हैं, यूपीएससी हर एक साल हर दो साल में क्वेश्चन पूछता है स्मार्ट सिटी के ऊपर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे आपके साथ, अगले आर्टिकल पे बात करूं यहाँ पर मैं, एक आर्टिकल नहीं है ये एक बुक रिव्यू है बेसिकली, रिलाइंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट इनफ, इस बुक को इस आर्टिकल के अंदर एक बुक का रिव्यू किया गया है, उस बुक का मैं आपको नाम दिखाता हूँ यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं कास्ट मैटर, इसको लिखा है सूरज यंगडे ने, सूरज यंगडे साहब का खुद का आर्टिकल है, खुद ही रिव्यू कर रहे हैं अपनी बुक का, वो क्या कहना चाहते हैं इस बुक के जरिए वो लिखा गया है इस आर्टिकल के अंदर। कास्ट मैटर्स में एक जो आपकी काम का जो निकालने वाली चीज़ है इसमें से, इनका मानना है कि जो देश का SC समाज है, देश का अनुसूचित जाति का समाज है, देश का जो पिछड़ा समाज है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो केवल संवैधानिक प्रावधानों में निर्भर ना करे, उसे और सोशल रिफॉर्म भी करने होंगे। यहाँ जो की वर्ड है आपके लिए इस आर्टिकल का, वो की वर्ड ये है कि केवल कॉन्स्टिट्यूशन ही पर्याप्त नहीं होगा, इस पर रिलाई करना पर्याप्त नहीं होगा, आपको कुछ और भी काम करना होगा, अपनी एजुकेशन पर, हेल्थ पर, सिविल सोसाइटी बनाने पर, अपने रिफॉर्म पर, इकोनॉमिक रिफॉर्म पर भी काम करने होंगे। तो केवल कॉन्स्टिट्यूशन को यूज़ किया जाए, ये कहना इनका राइटर साहब का कि कॉन्स्टिट्यूशन को यूज़ किया जाए पर्याप्त नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर जो दिया जा रहा है वो नहीं पहुँच पा रहा है पूरे ढंग से, केवल कॉन्स्टिट्यूशन निर्भर करना आपको बैकवर्ड कर सकता है। तो ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ प्रयास किया जाए अन्य मामलों में, जो यहाँ लिखते हैं लास्ट में आके एक जगह कहूँ आपसे, जो लिखते हैं ये कि केवल काम नहीं चलेगा आपका सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से, आपको काम करना होगा कई स्थानों पर, जैसे अदर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डेवलपमेंट, जैसे लाइक सोशल जस्टिस, वेलफेयर प्रोग्राम, एजुकेशन, हेल्थ, टैक्सेशन, प्रोटेक्शन ऑफ द वर्किंग क्लास, यहाँ भी आपको काम करना होगा, तभी आप इस समाज को, इस बैकवर्डनेस को खत्म कर पाएंगे इस समाज के साथ। तो जरूरी है, ये कहना है राइटर का, केवल संवैधानिक प्रावधान ही नहीं अन्य प्रावधान की भी आवश्यकता है। ये कोट कर रहे हैं एक फैसले को, इंपॉर्टेंट बात को अंडरलाइन कर रहा हूं मैं आपके लिए, ये कोटेशन दे रहे हैं एक फैसले का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था सूर्य नारायण चौहान, लास्ट लाइन देख रहे हैं आप राइट लेफ्ट साइड में, सूर्य नारायण चौहान बनाम राजस्थान सरकार 1988, जहां जस्टिस JS वर्मा ने, जेसी वर्मा साहब ने फैसला दिया था एक, और क्या कहा था जस्टिस जेसी वर्मा, सुनते हैं आपकी उनकी बातें रहा। तो जस्टिस वर्मा ने यहां पर अपने फैसले में कहा था, जस्टिस JS वर्मा ने अपने फैसले में कहा था कि केवल एक कानून या एक संवैधानिक प्रावधान के होना का मतलब विकास होना नहीं है, मेयर इंटैक्ट का सच अ लॉ और गारंटीड राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट एनफ एंड द चेंज नीड इज रियली ऑन द हार्ट्स नॉट एल्सवेयर, यदि आपको परिवर्तन करना है तो अपने दिलों में करना होगा, कहीं और बदलाव नहीं करना है। तो आवश्यकता है कि सोच बदलनी है हमको यहाँ पर, सबका साथ सबका विकास का सरकार का नारा है उसको लेकर आगे बढ़ना है। तो केवल संवैधानिक प्रावधान ही नहीं, वो भी जरूरी है, लेकिन अन्य प्रयास भी आपको करने होंगे इस संविधान के दायरे में रहते हुए। तो ये क्रक्स है इस आर्टिकल का, एक बार नजर मार सकते हैं इस आर्टिकल पर पढ़ने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा सिर्फ बुक का नाम, राइटर का नाम आप देख चुके हैं यहाँ पर, नजर रखिएगा, सही बात सही है, कोर आइडिया का सही है कि संविधान के अलावा भी अन्य प्रयास हमको करने होंगे, संविधान के प्रयास भी जरूरी है और अन्य प्रयास भी करने होंगे, ये कहना है इन राइटर्स आपका कास्ट मैटर्स में यहाँ पर। चलेंगे आपके साथ, इसके अलावा कोई आर्टिकल विशेष मैं मानता नहीं इस बार है आज के हमारे पास, एक आर्टिकल इसमें जो दिया गया है कर्नाटक क्राइसिस पर, पॉलिटिकल आर्टिकल है, पॉलिटिकल आर्टिकल ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए हमको यहाँ पर, कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है बहुत काम का नहीं है हमारे लिए, अभी जब फाइनल हो जाएंगी पूरी, सेटलमेंट हो जाएगा, सरकार बनेगी, हटेगी, गिरेगी, नई सरकार बनेगी, चुनाव होंगे, वॉट एवर जो होगा हम फिर बात करेंगे, हाल फिलहाल के लिए कर्नाटक का पॉलिटिकल फैसला हमारे काम का नहीं बनता दिख रहा है। इसके अलावा चीज़ें हमारे पास एक आर्टिकल और है कहने के लिए यहाँ पर, जो एक फिल्म आई है आर्टिकल 15, उस पर रिव्यू शॉट ऑफ फिल्म का कि किस प्रकार आर्टिकल 15 में एक अपर कास्ट हीरो सेव करता है, लोअर कास्ट या सपोर्ट करता है वो अन्य समुदायों को, तो एक आर्टिकल 15 पे लिखा गया एक रिव्यू है, ये हमारे काम का बिल्कुल नहीं हो सकता, इंपॉर्टेंटली आपको संविधान का आर्टिकल 15 याद होना चाहिए, इसके बियॉन्ड आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये हैं आज के कुछ एडिटोरियल्स, कुछ आर्टिकल्स आपके लिए, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बेहतर लगी होगी, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, आपके सवाल मैं लूँगा अभी, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सारी सवालों को, जो भी आपके सवाल हैं वो लिखिए मेरे कमेंट बॉक्स में, आपको प्रयास करूँगा पूरे जवाब दे पाऊँ, लेकिन ज़रूरी है पैरेलल चैट में थोड़ा मुश्किल होता है, एक फ्लो में होते हैं हम लोग, मुश्किल होता है, प्रयास करेंगे पैरेलल चैट में दे पाऊँ मैं आपको जवाब, अभी स्टूडियो सेटअप हो रहा है, सेटअप होते ही आपको जवाब देना शुरू कर दूंगा मैं चैट में आपके, अभी आपके जो भी सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, तैयारी संबंधित, क्वेश्चन संबंधित, एडिटोरियल कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, लैंग्वेज इशूज़ कुछ आ रहे हैं,
पीडीएफ संबंधित कोई भी इशू है आपको, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। दूसरी बात, जो बार बार मैं देख रहा हूँ कल से छात्रों के सवाल आ रहे हैं सिलेबस को लेकर, तैयारी कैसे करें, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए याद रखिएगा, स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए, पीटी तैयार कैसे करें, मेंस तैयारी कैसे करें, क्या है सिलेबस, कैसे पढ़ें, कौन सी बुक्स पढ़ें, जरूर बात करेंगे उस पर कुछ स्पेशल वीडियोस में। आज चैनल का पहला दिन है, लॉन्च हुआ है चैनल, स्वागत करते हैं आप सभी का हम लोग यहाँ पर। इंपॉर्टेंट बात है, आप बने रहिए हमारे साथ, आने वाले दिनों में इन सभी जो समस्याएं होंगी दूर किया जाएगा, आपकी फीडबैक के आधार पर, आपकी डिमांड के आधार पर, आपके जो आवश्यकताएं होंगी समझेंगे हम लोग और हम दूर करेंगे उनको। तो बने रहिएगा हमारे साथ, मैं अभी 8 बजे फिर मिलूंगा आपसे पीआईबी सेशन में। थैंक यू।